हाय फ्रेंड्स, सबको नमस्कार। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, सपोर्ट मी। जो चार्जर का होल्ड करने के लिए एक डॉक आता है, वो जो होल्डर माना जाएगा। मैं पहले दो तीन वीडियो बनाया था, वो प्लास्टिक का था, ये मेटल का विथ लॉक भी कर सकते हैं आप उसके साथ में। ये चलिए उसको अनबॉक्सिंग करते हैं। ये वीडियो को जैसे 15,000 व्यूज़ आता है तो मैं एक पीस गिव अवे करूँगा। आप कुछ भी नीचे कॉमेंट करिए, आपको दोस्त को शेयर करिए और कुछ भी कमेंट करें, मैं रैंडमली निकाल के मैं एक गिव अवे को अनाउंसमेंट करूंगा जैसे 15,000 व्यूज़ होता है तो। इसका अमेजन में भी मिल जाएगा आपको, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। इसका दाम है 1099 है, मतलब 1 रुपये कम आपको 1100 पड़ेगा। ये हमारा ग्रुप में भी कई बार इसका फोटो शेयर कर रहा था, कई आदमी पूछ रहा सर ये क्वालिटी कैसे है, आप एक बार चेक करिए करके। मैं देखते हैं, पहले वाला सारे प्लास्टिक का था, ये मेटल का है। पैकिंग सही है, खोलो इसको। वेट है लगभग 1.5-2 किलो के आसपास है, मतलब वो काफी वेट है। अच्छा, इसमें एक छोटा सा ताला भी मिला और जो प्लेक्स और स्क्रूज भी दिया हुआ है यहाँ पर, 3 स्क्रूज दिया हुआ है इसको। चलिए मैं असेंबल करके फिर करके दिखाता हूँ। और वेंटिलेशन का भी ये सब कुछ होल्स दिया हुआ है नीचे भी, काफ़ी मजबूत है मेटल, थिक लग रहा है मेरे को। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है इसका, जो लगाने के बाद आप आराम से इसको लॉक कर सकते हैं ताकि चार्जर कोई निकाल के चोरी ना करे। ये काफ़ी अच्छा लगेगा, लगा मेरे को। एक बार ताला भी खोल के देखते हैं, आपको जो प्लेक्स है 6 दिया हुआ है, वैसे इसमें 4 होल्स है, 2 एक्स्ट्रा भी दिया है, काफ़ी अच्छा लगा। यदि गलती से टूटने से भी आप दोबारा आप लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छा चाबी दिया हुआ है, ब्रॉस का है, ब्रॉस कोटेड है, 3 चाबी है इसमें। एक सेफ्टी है हम लोग को लगाने के बाद, मतलब कोई चोरी ना करे। कई जगह क्या होता है, हम लोग नीचे रख देते हैं। चार्जर भी काफ़ी महंगा आता है, 12,000 के आसपास है। इसको लगाने से एक सेफ्टी रहेगा, ये काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। चलिए मैं इंस्टॉल करके फिर मैं आपको पूरा एक बार दिखाऊँगा। ये सिंपल मैं पुराना वाला स्क्रू निकाल के उसको निकाल के इसको असेंबल किया था। ऑलरेडी स्क्रू दिया हुआ है यहाँ पर, चार्जर रखने का मेटल है। वेंटिलेशन का भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ है दोनों साइड, और नीचे का भी फैन का पूरा दिया हुआ है। एक लॉक भी है, 3 चाबी है। सेफ्टी मेन है, क्योंकि ये बाहर ऐसे छोड़ने से कोई भी उठा के लेके गया हो तो ये शायद 12-13 हज़ार का एक चार्जर का दाम है। ये लॉक वाला काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, पेंट भी क्वालिटी ठीक है। ओला का भी आता है करीब 2,500 के आसपास में, थोड़ा महंगा है, सेम इसी का लुक के साथ में आता है। ये साइड में दिया, उसका नीचे गन रखने के लिए देता है ये। इसका परचेजिंग लिंक है मैं नीचे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से फ्लिपकार्ट और अमेजन से दोनों से परचेज कर सकते हैं। ये कई आदमी पूछ रहा था सॉकेट के लिए, 15 एम्स में सॉकेट लगाइए, हमारा 5 एम्स का है लेकिन 15 एम्स सॉकेट में अच्छा आपको बढ़िया रहेगा। कर दिया इसका, मैं बाद में निकाल के मैं ऑफिस में इसको इंस्टॉल करूँगा, क्योंकि मैं ऑफिस में ज़्यादा इसको इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए पूरा दिया हुआ AMR ब्रांडिंग का है। यहाँ पर गन रखने के लिए दिया, यहाँ पर वेंटिलेशन का पूरा दिया हुआ है। अब देख सकते हैं फिट करने के बाद इसका लुक, मैं एक बार चार्जिंग करके दिखाता हूँ आपको। मैं मैक्सिमम स्कूटर का चार्जिंग ऑफिस में ही करते हैं, वहाँ पर पॉइंट बना हुआ था खाली, इसको वहाँ फिट करके मैं उधर से चार्जिंग हमेशा करते रहता हूँ। आज का 1 साल में मुश्किल से मेरा घर में जो करंट जला होगा 500 रुपये का, इससे ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, 18,000 किलोमीटर का पूरा मैं ऑफिस में चार्जिंग करते हैं। परफेक्ट काम कर रहा है, सेफ्टी है। आप लोग का नीचे लिंक दूंगा, इंटरेस्ट होता है वहाँ से परचेज कर सकते हैं। थोड़ा लूज भी दिया हुआ है ऐसा नहीं, पूरा टाइट है, क्योंकि स्क्रैचेस आ जाता है इसीलिए थोड़ा लूज भी दिया हुआ है। काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, आप लोग को कोई भी है लेना चाहता तो ले सकते हैं। और मैं जैसे 15,000 का
व्यू साथ में एक गिव अवे करूँगा। नीचे आप कुछ भी कमेंट करिए, मैं रैंडमली पिक करके मैं आपको अनाउंसमेंट करूँगा। फिर मिलता है अगले वीडियो में। सबको नमस्कार, थैंक यू।